नमस्ते जनता, आप देख रहे हैं शाही भोज और आज अपन बनाने वाले हैं पालक पनीर। जैसा कि आप सबको पता है कि ठंड में सबसे ज्यादा बिकने वाली सब्जी होती है पालक। सब्जी मंडी से मैंने एक पालक की गड्डी ले आया था और अब मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और सामग्री कुछ इस प्रकार है। ये किसा हुआ पनीर है, एक गड्डी पालक की, दो कटे हुए टमाटर, दो कटी हुई प्याज, तीन से चार लहसुन की कली, एक मिर्ची और अदरक। तो सबसे पहले एक मिक्सी के जार में प्याज, लहसुन, मिर्ची और अदरक को डाल के पीस लें। इसके बाद टमाटर को भी एक मिक्सी के जार में डाल के पीस लें। इसके बाद एक कुकर में पालक को डालिए और उसमें एक गिलास पानी डालिए और उसको एक सीटी तक पकने दीजिए। इसके बाद एक कढ़ाई में दो बड़े चम्मच तेल डालें, फिर उसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डालें। इसके बाद इसमें जो अपन ने प्याज पीस के पेस्ट बनाया था वो डालें और जब तक पकाएं जब तक प्याज तेल ना छोड़ दे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब अपन इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। प्यूरी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से चला लें और उसको 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम में पकने दें। पालक में एक सीटी आ चुकी है और पालक पक चुका है। अब इसको अपन निकाल के ठंडे पानी में थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद मिक्सी में पीस लेंगे। ये अच्छी तरीके से पिस चुका है। प्याज और टमाटर का मसाला भुन चुका है अच्छे तरीके से। इसके बाद इसमें पिसी हुई पालक डालें और इसको अच्छे तरीके से चला के मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें। नमक डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। फिर इसमें अपन किसा हुआ पनीर डालेंगे। आप चाहे तो पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। पनीर डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से फिर से मिक्स कर लें। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। इसके बाद इसमें मैं आधा कप पानी डाल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं गाढ़ी या पतली बनाने के लिए सब्जी। इसको 5 मिनट के लिए और पका लें। उसके बाद इसको किसी भी बर्तन में निकाल लीजिए। गार्निशिंग के लिए आप इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं और पनीर के डाइस भी डाल सकते हैं। और ये आपकी पालक पनीर तैयार है। अपने फैमिली वालों को सर्व करें। अगर उनको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जाके मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।